हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज आपको मैं अकरवीं का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये बताऊंगा। आपको गूगल पर जाकर इस तरह आपको वेबसाइट टाइप करना है। इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। तो ये महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में ये जो रीजन्स दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पर, उस रीजन में आप भर सकते हो। मैं एक डेमो के तौर पर आपको ये नागपुर का लिए मैं एग्ज़ाम के तौर पर लेके आपको फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जो नए वाले स्टूडेंट रहेंगे उनको ये 10th के बारे में, अगर आपने नागपुर में रहकर किया है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर आउटसाइड किया है नागपुर से तो कीजिए, अगर महाराष्ट्र के बाहर से किया है तो उस तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे के मतलब अब अगर आपने इसी साल आपने पास किया तो वहाँ पे फ्रेशर्स पे क्लिक करना है, या फिर आपने रिपीटर में किया तो रिपीटर में, अगर आपने पहले ही पास हो गए तो वहाँ पे उस थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको किस बोर्ड से आपने अपना 10th पास किया वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आप किसी ने SSC से किया होगा तो आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसे जिस बोर्ड से आपने किया वो बोर्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सीट नंबर डालना है। यहाँ पे आपका मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन और नेम ऑफ द अप्लीकेंट, यहाँ पे इस तरह आपको डिटेल्स डालना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो अगर है तो, नहीं तो नहीं चलता है। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको देना पड़ता है। मैं आपको देख रहा हूँ किस तरह का सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है। तो आपका ये इस तरह है, आपका जो भी क्वेश्चन फेवरेट है आपका वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उस चूज करने के बाद उसको आपका यहाँ पे आंसर टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर लिखिए। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है जो कि आपका एडमिशन प्रोसेस में लगता है। तो ये पासवर्ड थोड़ा ध्यान से बनाइए। तो पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कैप्चा डालना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ता है। रजिस्टर करने क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड आ जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हो या फिर प्रोसीड टू लॉगिन कर सकते हो। प्रोसीड टू लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप अपना लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद आपको इस तरह आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन करने के बाद आपको इस तरह प्रोसेस देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ग्रीन वाला दिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका जो डिटेल्स है वो फिलअप करते दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड, जहाँ जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट जो है वो, अगर आपका तालुका है तो तालुके के बारे में, यहाँ पे टाउन विलेज जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, आप अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो तो आप भी दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी कैटेगरी वो कैटेगरी सिलेक्ट करें, और उसके बाद अगर ये जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए उनके, अगर आप उस कंडीशन में बैठते हो तो यस करें, नहीं तो नहीं करें। यहाँ पे कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी में आप एडमिशन करना चाहते हो उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप हो तो यस करें, नो तो नो करें। अगर आपने किसी भूकंप में आए हो तो यस करें, नहीं तो नो। अगर आपका कोई ऑनलाइन प्रोसेस के एरिया में अगर कोई पेरेंट्स रहते हो जिनके बच्चे, तो यस करें, अगर नहीं तो नहीं है। अगर कोई आपके फ्रीडम फाइटर ग्रैंड पेरेंट्स तो यस करें, ना करें तो नहीं है। अगर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी में है तो यस करें, नहीं तो नो। उसके बाद आपको जी आर है सेकंड अप्रैल 2000 का, उसके हिसाब से अगर आप उसमें बैठते हो कैटेगरी में तो यस करें, अगर नहीं तो नो। उसके बाद आपको यहाँ पे किसी ने प्री क्वेश्चन कोशिश किए होंगे तो यस करें, अगर नहीं तो नो। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो यस करें, नहीं तो नो। यहाँ पे इन हाउस का कोटा का मतलब है जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल में एडमिशन करना है तो आपको वहाँ पे यस करें, नहीं तो नहीं नो करें, ज़्यादातर बच्चे नो करते हैं। उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका ये 10th का मार्क्स आपको दिखाई देंगे, ये आपको कन्फर्म करें। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे सेवन नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स दिखेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह दिखाई देगा आपका जो भी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ज़्यादातर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करना है आपको, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह आपको दिखाई देगा।
आपका जो अपलोड हुआ है। उसके बाद आपका ये फ़ी है, जो आपको सबको फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो कि 125 रुपये है। आप ऑनलाइन पेमेंट करना है सबको, तो इसका आपको प्रोसीड टू पे करना है। ये आपका यहाँ पे आप 125 रुपये दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स करना पड़ेगा। पेमेंट डिटेल्स करने के बाद आपको उसका ये इस तरह आपका पूरा फॉर्म प्रोसेस दिखाई देगा आपको, और इस पर आपको राइट क्लिक करके लॉग एप्लीकेशन फॉर्म करना है। ये होने के बाद आपका एक पहली स्टेप का कंप्लीट होगा, और ये होने के बाद आपका ये लॉक जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा, और वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, और वो एक्सेप्ट होने के बाद आप सेकंड प्रोसेस कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। इसका सेकंड प्रोसेस का भी वीडियो मैं आपको डालना बताने वाला हूँ, इसके बाद क्या करना है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप मेरा दूसरा आने वाला वीडियो देख सके। थैंक यू।